कोई मशीन है? नोबिता, ये क्या हो रहा है? मॉम, मैं गिर गया था। हाँ, पता नहीं ये क्या है। ये तो वही चीज है। पर ये है क्या? अरे, फिर से कुछ आ गिरा। ये पहले वाले से बिल्कुल अलग है। नोबिता, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये सब है क्या? समझ गया, ये मुझे लगता है ये खास मेरे लिए ही आया है। तुमने मुझे दिया है ना? ये क्या है और तुम्हें कहाँ से मिला? क्या ये तुम्हारा नहीं है? ये मेरा नहीं है। हाँ, तू ये किसका है? कुछ आया है। ये क्या हो रहा है? ये सब इसने किया है डोरेमोन। ये क्या है? यही तो सिग्नल भेजता है। जब सारे पार्ट्स नीचे आ जाएंगे तो मैं एक बड़ा रोबोट बना लूंगा डोरेमोन। उसके बाद बहुत मजा आएगा। देखो नोबिता, हमें इसे इसके मालिक को लौटा भी बचा को दे देते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या तुम पुलिस से कहोगे कि नॉर्थ पोल पर एक रोबोट लावारिस पड़ा हुआ था? इसे किसी ने मेरे लिए भेजा है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा डोरेमोन। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। समझ गया, जब भी इसका मालिक आएगा हम इसे लौटा देंगे। पर तब तक क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? बोलो बोलो। अगर सिर्फ पार्ट्स को जोड़ने की बात है तो ठीक है, लेकिन हम ये काम करेंगे कहाँ पर? गार्डन में। लेकिन मॉम गुस्सा करेंगी, वो वहाँ कपड़े नहीं सुखा पाएंगी। कपड़े धोने जैसे बेकार काम जरूरी है। लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं उसे स्मॉल लाइट से छोटा कर देता हूँ। नहीं, ये बड़ा ही अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन जब हम इसे पूरा कर लेंगे और इतना बड़ा रोबोट शहर में निकलेगा तो उससे दूसरों को परेशानी होगी ना? तुम हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? समझ गया, वो मिरर वर्ल्ड याद है जहाँ हम पहले गए थे डोरेमोन? वो हमारी दुनिया जैसा था, लेकिन अच्छी बात है वहाँ पर कोई, वहाँ हम चाहे जो भी करें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, ये इस मिरर के अंदर नहीं जा पाएगा। तुमने सही कहा, एक बड़ा रोबोट मिलने की खुशी में मैं ये बात भूल गया था। अरे हाँ, इससे हमारा काम बन जाएगा। रिवर्स वर्ल्ड ऑयल। हमें मिरर की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इसे किसी मिरर जैसी चीज पर डाल दें तो हम मिरर वर्ल्ड में जा सकते हैं। ये तो जल्दी करो, अभी चलते हैं। लेकिन ये बताओ, ऐसी बड़ी सी मिरर जैसी चीज कौन सी होगी? तुम तो सच में बहुत अकलमंद हो डोरेमोन। अब हम ये ऑयल इसमें डाल देते हैं। यहाँ ये मिरर वर्ल्ड सिर्फ सीनरी की दुनिया है, इसलिए यहाँ
इंसान जानवर या जीवित प्राणी नहीं है ना? हाँ लेकिन तो तुम्हें पता होना चाहिए रोबोट कहाँ है। हाँ, तुम किस रोबोट की बात कर रही हो? मैं नहीं जानता। क्या तुम रोबोट को ढूंढ रही हो? हाँ, वो मेरा एक स्पेशल रोबोट है। तुम्हारा रोबोट? लेकिन तुम्हारे पास ऐसे खतरनाक लगाने की वजह से ऐसा हुआ है और अब तक एग्जिट भी बंद हो गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रोबोट अब हमारा पीछा नहीं कर सकते। तुमने सही कहा। पर क्या रीरूरू भी? फिक्र होती है, तुम दोनों इतनी कॉमिक्स पढ़ते हो, इतना टीवी देखते हो। मैं सच कह रहा हूँ, स्पेस से रोबोट का हमला होने वाला है। हमारा विश्वास कीजिए। फोन काट दिया। तुम सबको फोन करो, प्राइम मिनिस्टर को फोन करो, पुलिस चीफ को फोन करो, स्पेशल एजेंट्स को फोन करो। कोई हमारा विश्वास नहीं कर रहा। अब कुछ नहीं हो सकता, वो रोबोट पृथ्वी पर हमला कर देंगे। जियान और सुनियो को इस सब के बारे में बताते हैं, वो हमारा विश्वास जरूर करेंगे। यार रोबोट
रोबोट की सेना वो आने वाले हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। इन्हें हमारी बात पर विश्वास है। हमारी अच्छी दोस्त है। लेकिन फिर दोस्तों ये बताओ, क्या हम चार लोग पृथ्वी को बचा पाएंगे? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है मुसीबत के इस समय में पर इस ब्रेन के साथ तुम उससे दोस्ती कैसे कर पाओगे? शायद हमें इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। बदलाव करने में तो समय लगेगा, अगर हम इसे बात करके देखें तो शायद काम बन जाए। ठीक है, पहले बात करके देखते हैं। मेरा तुम कुछ देर शांत रहो। ये ट्रांसलेशन बेस। तुम शांत हो जाओ। चलो आगे सुनते हैं। हम उनसे न बात कैसे करें? वो इंसानों को गुलाम बनाने का सपना देख रहे हैं। समझने की कोशिश करो। ये कितना उछलता है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। सुनो, तुमने कुछ करो। पहले नहीं निकाल सकते थे? ये क्या कर रहे हो? स्विच ऑन करता हूँ। मुश्किल हो जाएगा। क्या हम सिर्फ शांति से बात कर सकती है? हाँ, बात कर की बातें कर रहे हो। मैं बात की बातें नहीं कर रहा, हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बुद्धू से तो बिल्कुल भी नहीं। पिया, तुमने अगर फिर से ऐसी बात की तो देखना। क्या शोर मचा रखा है? बाहर जाकर खेलो। मॉम का काम ही गुस्सा करना होता है। देखो यहाँ पर ये सब होता रहता है, समझ गए ना तुम? ठीक है, बाकी सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले तुम सब मेरा एक गाना सुनो और उस लड़ाई को भूल जाओ जो अभी कुछ देर पहले हुई। इस गाने का टाइटल है मैं और मेरे सात सपने। दोस्तों मैंने देखे हैं कुछ सपने। पहला सपना मैं बनूं और भी ताकतवर, और दूसरा सपना क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें पता है तुम ये किसको कह रहे हो? क्या कहा तुमने? तुम्हें गाना गाना भी आता है क्या? तो तुम जल्दी से हमें गाना गा के दिखाओ। नहीं, यहाँ पर हो क्या रहा है? आ, आ, आ,
चलो चलते हैं। यहाँ पर कोई है, इसे कैसे बाहर निकालूं? तुम ठीक हो? ये तो वही लड़की है, ये यहाँ कैसे आई? ये रोबोट है। देखो यहाँ तो एक भी रोबोट नहीं है। वो जरूर हालात को संभालने के लिए गए होंगे और वापस आते ही होंगे। चलो यहाँ से बाहर चले। रीरुरु, तुम्हारे लिए एक अर्जेंट मैसेज है। ये क्या है? रीरुरु, जवाब दो, निकल चुकी है, कल शाम तक पृथ्वी पर पहुँच जाएगी। क्या कहा कल शाम तक? वो लोग तो बहुत जल्दी आ रहे हैं। अब क्या होगा? ओ सर, रीरुरु तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हें एक काम सौंपा गया है, रोबोट सेना को सुरक्षित पृथ्वी तक पहुंचाना। जवाब दो। ये बात है। अगर रीरुरु रोबोट सेना को गाइड नहीं करेगी तो मुझे लगता है दोस्तों वो इस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे पास बस यही एक मौका है, किसी भी कीमत पर रीरुरु को यहाँ आने से रोकना होगा। दोस्तों यही मौका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पता नहीं वो वहाँ पर क्या कर रही है। चीफ, हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो इंतजार किस बात का? पृथ्वी पर हमला। तुम ठीक हो ना? रीरुरु, अच्छा वो लड़की वो अंदर। ये तो एक रोबोट है। डोरेमोन, कहीं ये अंदर से टूट तो नहीं गई है ना? इसे रोबोट सेना की पृथ्वी तक आने में मदद करनी थी, अगर ये टूट गई होगी तो ऐसा नहीं कर पाएगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ बहुत बुरा हुआ, कितने दुख की बात है। ये लोग तो हमारी पृथ्वी पर हमला करना चाहते हैं। हाँ ये तो है। अगर हमने रीरुरु को ठीक कर दिया तो हम रोबोट सेना के बारे में जानकारी ले पाएंगे। चलो हम इसे ठीक करते हैं। हाँ हाँ इसे ठीक करते हैं।
कुछ समझी? रोबोट्स ऊपर वाले के बनाए हुए ही हैं। ये यूनिवर्स रोबोट्स के लिए है। ये बिल्कुल इंसानों के इतिहास की तरह ही है। ऊपर वाले को भी बहुत दुख होता होगा। तुम जो कहानी मुझे सुना रही हो वो मैं जानती हूँ, लेकिन रोबोट्स को इंसान ने ही बनाया है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है कि रोबोट्स को इंसानों ने बनाया है? ये गलत है। चुप हो जाओ, इस तरह तुम ठीक नहीं होगी। अपनी गलती मानो। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा होता कि वो टूट जाती। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द रोबोट्स को इंसानों को कब्जे में लेकर गुलाम बना लेना चाहिए। क्या तुम सच में यही चाहती हो? जूडो? अरे हाँ, मेरा नाम तो जूडो था। देखो ना, पृथ्वी से देखने पर तारे कितने खूबसूरत दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैकेटोपिया से दिखाई देते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? रीरुरु, क्या इंसान वाकई बुरे लोग होते हैं? क्या पता वो हमारे जैसे ही हो। ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम यहाँ जो करने आए हो वो भूल गए हो। पर तब मुझे ये बात समझ में आई और मैंने महसूस किया कि तुमने भी एक बार मेरी मदद की थी। बस करो, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। ये बेमतलब की बातें हैं। तुमने खुद अपनी मदद की थी। तो क्या इसका मतलब? रीरुरु, जवाब दो। रीरुरु, रीरुरु। पिप्पो अभी तक नहीं आया। पता नहीं वो इस समय कहाँ पर होगा। ये क्या है? मुझे नहीं पता था इसका चुंबक इतना शक्तिशाली है। जल्दी कुछ करो, मेरे इस गैजेट का असर 10 घंटे तक रहेगा। तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। पर क्यों? तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हुई? अर्जेंट मीटिंग। अरे ये वापस आ गया। ये कैसा दिख रहा है? ये तो अब भी बहुत प्यारा लग रहा है। तुम लोग देखो, मैं तुम सबको प्लान बताता हूँ, लेकिन उससे पहले पीपो ये बताओ, तुम हमारे दोस्त हो या फिर दुश्मन? मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं, मैं रीरुरु का सहायक हूँ। उससे फर्क नहीं पड़ता हूँ। हम उसे बताने का खतरा नहीं उठा सकते। मैं नहीं चाहता रीरुरु को हमारा प्लान पता चले। नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। अभी भी मेरा मजाक मत उड़ाना। इन पर ध्यान मत दो। मजाक उड़ाया तो छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं कहाँ फंस गया? अब बताओ क्या प्लान है? मैं उस दिन एक बड़ी झील की बात कर रहा था ना, हम उस पे ऑयल डाल देंगे और एक बड़ा मिरर बनाएंगे ताकि एक बड़ा एग्जिट बन सके, और उसके बाद हम रोबोट सेना को मिरर वर्ल्ड में ले जाएंगे। तुम्हारा मतलब वो पूरी रोबोट सेना? बिल्कुल सुनियो, और फिर मिरर वर्ल्ड में चाहे वो कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? लेकिन तुम उन्हें बुलाओगे कैसे डोरेमोन? टीमो उन्हें सिग्नल भेज कर यहाँ बुलाएगा। मुझे इससे अलग करो। हम वो सिग्नल झील से भेजेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर रीरुरु आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे अब वो कैसी है? वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। देखो उसे ये दे देना, इससे वो 24 घंटे के लिए सो जाएगी। लेकिन वो तो, ये तो बस उसे सुलाने के लिए है। मन कैसे होते हैं, अपने दुश्मन की ही मदद कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। चलो ये ड्रेस मैं तुम्हें पहना देती हूँ।
तुम जितना आराम करोगे उतना अच्छा होगा। चलो अब थोड़ी देर लेट जाओ, ठीक है? मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज होता है। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अब सो जाओ। ये कितनी मैली है, पर देखो ना इसे, ये कितनी अकेली लगती है। अकेली लगती है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। देखो ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है गुड़िया में भी दिल होता है। तुम इस बारे में क्या कहती हो? लगता है तुम सो गई। लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। हाँ, देखो डोरेमोन रिफ्लेक्टिव ऑयल फैल रहा है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो पियो? तुम फिक्र मत करो। सुनियो, हमला करो। डोरेमोन का ये गैजेट तो कमाल का है, दोनों को मजा चखा दिया। पता नहीं वो इधर आएंगे भी या नहीं। देखो मुझे शहर में कुछ काम खत्म करने जाना है, तुम झील का ख्याल रखना। और हाँ, पीपो का भी। मुझे तुमसे अलग होना है। अलग होना है। हम अलग हो गए। ऐसी दुनिया में रहना जहाँ कोई ना हो सच में खतरनाक लगता है। कितनी खामोशी है यहाँ। नोबिता तो डरपोक है। मैं बहादुर हूँ। जी नहीं, तुम डरपोक हो। देखो मैं डरपोक नहीं हूँ। जी है, जी है, तुम डरपोक हो। नोबिता डरपोक है। डरपोक, 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 डरपोक। ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ये क्या है, क्या है? पिप्पो तुम तो डर गए। बिल्कुल नहीं, तुम तो सच में डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूँ। ये सच है, ये सच है, पिप्पो डर गया। लेकिन पिप्पो, मैं तो तुमसे लड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। अब आसमान में और रोबोट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है सारे रोबोट्स आ चुके हैं। शिजुका कहाँ है? वो कुछ खाने के लिए सुपरमार्केट गई है। मैं भी तुमसे नहीं लड़ना चाहती, पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम उससे दूर रहकर भी बात कर सकती हो? हाँ, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर हिरुरु का एक हिस्सा है। लेकिन जाते तब तक तुम तबाही मचाते रहो। बताता हूँ, ये मेरे गैजेट का कमाल है नोबिता। ये है एकोइंग माउंटेन। ये आवाज पर रिएक्ट करती है और रोशनी और धमाके का पता लगने पर भी फायर करती है। तो रोबोट सेना के हमले का जवाब ये मशीन जोरदार तरीके से देगी? हाँ, रोबोट सेना का कोई दुश्मन नहीं है, ये गैजेट ही पूरी ताकत से उनसे लड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हमें इसके सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, अब ये हमारा दोस्त है। अरे नोबिता, ये सब अपनी तरफ से ऐसे ही कह रहा है। पियो,
वो बिल्कुल हमारी तरह है, उनका दिल हमसे भी ज्यादा अच्छा है, मैं उन्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ। डोरेमोन, क्या हम उसे बचाने जाएं? देखो, हम इतने सारे रोबोट से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर तुम गलती कर रही हो। रोबोट्स का जन्म यूनिवर्स पर राज करने के लिए हुआ है, इंसानों की बजाय हम रोबोट्स का स्वर्ग बनाना चाहते हैं। शायद रोबोट्स का कोई स्वर्ग नहीं बन सकता, और मुझे लगता है कि जो जहाँ रहता है उसी जगह पर स्वर्ग बनाया जा सकता है। आपको ये बात समझनी होगी, इंसान बुरे नहीं होते, वो कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं होते। अब ये हमारे किसी काम की नहीं। आपने सही कहा, इसे सजा देनी ही पड़ेगी। ढूंढ कर लाना पड़े तो लेकर आओ। जूटू ले आया और अपनी जान दांव पर लगा दी। रेरुरू, तो अब तुम हमारी दोस्त बन गई हो। पर क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि गुलामी एक बुरी चीज है, और मैं मेकाटोपिया की रोबोट हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो ये तक नहीं जानती कि आखिर अब मेरे दिल में है क्या। हम पीछे हटे तो मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम सबसे ये विनती करना चाहती हूँ, मुझे कहीं छुपा दो। तो ठीक है, मैं तुम्हें छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हमें उनसे छुटकारा मिलने तक तुम यहीं रहना। इसे लॉक कर दो। यहाँ तो एक भी इंसान नहीं है। आखिर वो लोग चले कहाँ गए? सर, ये क्या है? ये वो मैप है जो हमें मेकाटोपिया से मिला है, इसमें तो सब कुछ उल्टा है। उन लोगों ने हमारे साथ चालाकी की है, ये एक नकली दुनिया है। जा, उनका पता लगा। जल्दी आओ दोस्तों, बाहर रोबोट्स की बहुत बड़ी सेना है। वो सारे रोबोट्स झील से निकल रही है। हमारा राज खुल गया, अब क्या होगा? इससे पहले कि वो असली दुनिया में तबाही मचाए, मुझे कुछ करना ही होगा। तो अब क्या हमें उनसे लड़ना होगा? शिजुका, तुम रीरूरू के पास ही रहना, अगर कोई परेशानी हो तो ये स्पेयर पॉकेट इस्तेमाल करना। तुम्हारा शुक्रिया। रीरूरू, मैं चलता हूँ। प्लीज अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। मैं नोबिता की तरफ से लड़ूंगा, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। चलो चले नोबिता। हाँ, देखो देखो, ये है फ्यूचर गन, और ये है ग्लू, और ये बाकी सारे गैजेट्स हैं, तुम कोई भी ले सकते हो। बहुत अच्छे। ये वो गन्स हैं जो रोशनी की तरफ फायर करती हैं, और मैंने इन्हें पहले से ही सेट कर दिया है। शांत रहो। क्या कहा, शांत हो जाऊं? लेकिन कैसे? क्या तुम नहीं जानते एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हालात कितने खतरनाक हैं? हमें सब पता है सुनियो, पर हम उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, तुमने सही कहा, अगर हम उन्हें नहीं रोक पाए तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा पाएगा। चुप हो जाओ सुनियो। तुम क्या सोच रहे हो नोबिता? हम सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। अब तक हमने इंसानों के बारे में कभी नहीं सोचा। हम तो सोचते थे कि अगर हम सारे इंसानों को गुलाम बना लें, ऐसा लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तो और, प्रोफेसर ने हमें और तुम्हें बनाते हुए भी कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? मैं पास्ट में जाकर प्रोफेसर से शिकायत। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में बताऊंगी। जा सकते हैं, डोरेमोन के गैजेट्स कमाल के हैं। ये क्या डोरेमोन? इनकी रोबोट सेना तो बहुत बड़ी है। ये तो कुछ भी नहीं नोबिता, अभी तो और भी सेना आने वाली है। देखता हूँ ये पांच लोग हमारा सामना कब तक कर पाएंगे। क्या ये 30,000 साल पुराना मेकाटोपिया है? क्या कहा तुमने, मेरे बनाए हुए रोबोट ऐसा कर रहे हैं? हमें लगा कि आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप एक जीनियस हैं। इसका मतलब जो कॉम्पिटिशन ब्रेन मैंने उनमें फिट किया था, वो सही काम नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? वो एक ऐसा ब्रेन है जो यूनिवर्स के सभी जीवों से थोड़ा ज्यादा विकसित है। मुझे लगा था वो इसका इस्तेमाल दुनिया के विकास के लिए करेंगे,
लेकिन शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी मदद से सिर्फ ताकतवर जीवों को बढ़ावा मिल रहा है। नहीं नहीं, मैं क्या हो रहा है? लेकिन बिल्कुल सही हो रहा है। पिप्पू, पिप्पू, मत करो नोबिता, लेकिन मेरा अब तुम्हें छोड़ के जाने का वक्त आ गया है नोबिता। ये तुम क्या कह रही हो? देखो ऐसा मत कहो पिप्पू। रीरू, शिज़ुका, अब मेगा टोपिया स्वर्ग बन सकता है, एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाएगा। ऐसा मत कहो, तुम नहीं जा सकती। शिज़ुका, मुझे तुम सबकी याद आएगी। मैं तुम सबको कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं एक अच्छा रोबोट बनना पसंद करूंगी। पिप्पो, मुझे पिप्पो नाम बहुत प्यारा लगता है। तुम मेरी दोस्त बनोगी ना? कैसा स्टार बनेगा नोबिता? वो तो अब देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है नोबिता। सुनो, आप सब लोग आसमान में घूमना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हम इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने दोबारा जन्म लिया होगा तो क्या वो फिर से पृथ्वी पर आएंगे? शायद इस बार वो जासूस बनकर नहीं आएंगे। आखिर में हम दोनों सोचे कि हम